एक छोटा सा टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन ए सिलेंड्रिकल रॉड। अभी तक हम लोग रेक्टेंगुलर कोई बॉडी था, उस पर एक्सियल कोई भी लोडिंग लग रहा था, उसके वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन पढ़े। यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोई बॉडी है, इस तरह से एक्सियल लोडिंग लग रहा है, एक्सियल लोडिंग यहाँ पर हम लोग सपोज करिए टेंसाइल माने हैं, इसके वजह से क्या इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। बॉडी का जो टाइप है रेक्टेंगुलर से बदल के हम लोग सिलेंड्रिकल कर दिए। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि टेंसाइल एक्सियल लोडिंग लग रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो है एल, इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आएगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, और सेम टाइम में इसका डायमीटर जो है डी, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, एक्सियल लोडिंग लग रहा है, टेंसाइल नेचर का है, तो डायमीटर रिड्यूस होगा और लेंथ इंक्रीज करेगा। यही अगर एक्सियल लोडिंग लगता इस डायरेक्शन में कंप्रेसिव नेचर का, तो इसका लेंथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन डिक्रीज होता, सेम टाइम पे डायमीटर क्या होता, इंक्रीज होता। ठीक, यहाँ पे जो हम लोग इस फिगर में माने हैं एक्सियल लोडिंग का नेचर कैसा है टेंसाइल, तो इसमें क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इनिशियल वॉल्यूम क्या है इसका, देखिए जब बिफोर लोडिंग इनिशियल वॉल्यूम जो रहा होगा वो है पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ। ठीक, लोडिंग अप्लाइड किए, इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन आया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी, लैटरल डायरेक्शन में भी, तो वॉल्यूमेट्रिक भी कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा, तो वो वॉल्यूमेट्रिक बदलाव डी वी अपॉन वी, वही क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे हम लोग देखें तो डी वी बटे वी, ये डी वी क्या है, फाइनल वॉल्यूम जो भी रहेगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। ठीक, इसी टर्म को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। ये फाइनली फाइंड आउट कैसे होगा, क्या इसका एक्सप्रेशन रहेगा, इसको देखते हैं। फाइनल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इनिशियल वॉल्यूम तो यहाँ पे एक्सप्रेशन इस सिंपल सा फॉर्मूला निकल गया। फाइनल वॉल्यूम इसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर इस लोडिंग के एप्लीकेशन के बाद चेंज इन लेंथ जो होगा, सपोज करिए डीएल अमाउंट इंक्रीज किया है। ठीक है, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ एल था, चेंज इन लेंथ डीएल, तो एल प्लस डीएल, ये फाइनल लेंथ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग और जब स्ट्रेन हो चुका है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और लेटरल डायरेक्शन में, ये चेंज इन लेंथ डी एल था। लेट अस कंसीडर चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर माइनस डी डी, क्योंकि वो रिड्यूस होगा, तो फाइनल डायमीटर जो होगा, फाइनल डायमीटर इक्वल्स टू डी 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 माइनस डी डी, इनिशियल डायमीटर माइनस जो चेंज हुआ है थोड़ा अमाउंट का वो। ठीक है, तो ये फाइनल लेंथ आपको मिल गया और ये फाइनल डायमीटर मिल गया, इस दोनों के बेसिस पे फाइनल जो वॉल्यूम होगा उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालें। फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई बाय फोर इनिशियल डायमीटर जैसे यहाँ पे था उस तरह से फाइनल डायमीटर डी माइनस डी डी का स्क्वायर, इनिशियल लेंथ जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे फाइनल लेंथ एल प्लस डी एल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, पाई बाय फोर डी स्क्वायर माइनस टू ए बी डी इंटू डी डी प्लस बी स्क्वायर, और ये टर्म तो ऐसे ही रह जाएगा एल प्लस डी एल। अब इस पूरे टर्म को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एल, एक बार एल पहले एल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस टू डी इंटू एल इंटू डी डी प्लस डी डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक बार इस पूरे टर्म को एल डी एल के साथ प्लस डी स्क्वायर इंटू डी एल माइनस टू डी इंटू डी डी इंटू डी एल प्लस डी डी स्क्वायर
इंटू डी एल, ये टर्म आता है। अब देखिए इसमें बहुत सारा ऐसा टर्म है जो छोटा छोटा वैल्यू का है और उसका पावर है, ठीक है, तो वो पहले से छोटा वैल्यू है उसका पावर कर दे तो और भी छोटा वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि कोई वैल्यू है 0.01, उसका स्क्वायर कर दे तो और भी छोटा वैल्यू आ जाएगा, इसलिए इस छोटे वैल्यू का जो पावर है उस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला टर्म हो गया, ये अपने आप में डी डी छोटा वैल्यू, इसका स्क्वायर और भी छोटा वैल्यू हो जाएगा, तो बहुत छोटे वाले वैल्यूज़ को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये टर्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए डी डी अपने आप में छोटा है, डी डी का स्क्वायर वो बहुत छोटा हो जाएगा, इंटू डी एल, डी एल भी बहुत छोटा अमाउंट का हो, ये टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। और देखिए कौन सा टर्म नेग्लेक्ट होगा, ये डी डी अपने आप में छोटा है, इंटू डी एल से मल्टीप्लाई करें तो छोटा वैल्यू इंटू छोटा वैल्यू फर्दर बहुत छोटा हो जाएगा, इस टर्म को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन बचेगा यहाँ पर लिखते हैं नेग्लेक्टिंग टर्म ऑफ स्मॉलर वैल्यू Having higher power, तो बचेगा क्या पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एल माइनस टू इंटू डी इंटू एल इंटू डी डी प्लस डी स्क्वायर इंटू डी एल। ये फाइनल वॉल्यूम एक तरह से हम लोग मानेंगे कुछ टर्म को नेग्लेक्ट करके, ताकि मेरा एक्सप्रेशन जो है वो सही फॉर्म में आ जाए। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे इस पर पुट करते हैं, डी वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ डी वी बटे वी इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, तो उस पर फाइनली आते हैं डी वी बटे वी। ये तो फाइनल वॉल्यूम एक तरह से निकला, और डी वी बटे वी का क्या था, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एल माइनस टू इंटू डी इंटू एल इंटू डी डी प्लस डी स्क्वायर इंटू डी एल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम फाइव बाय फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम फाइव बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पाई बाय फोर इसमें भी है, पाई बाय फोर इसमें भी है, कॉमन लेते हैं पाई बाय फोर, तो बचेगा क्या डी स्क्वायर इंटू एल माइनस टू इंटू डी इंटू एल इंटू डी डी प्लस डी स्क्वायर इंटू डी एल माइनस डी स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। ये पाई बाय फोर कैंसिल आउट हो गया, अंदर में देखिए डी स्क्वायर इंटू एल प्लस में है, यहाँ पे डी स्क्वायर इंटू एल माइनस साइन के साथ है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया। फाइनल एक्सप्रेशन जो अंदर का बचता है, इस टर्म को अगर पहले लिखे डी स्क्वायर इंटू डी एल माइनस टू इंटू डी इंटू एल इंटू डी डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू एल, ये पाई बाय फोर तो कैंसिल आउट हो गया। इसको फर्दर हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें इस पूरे टर्म को, तो डी स्क्वायर इंटू डी एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू एल, इसके साथ एक बार इंडिविजुअली लिखते हैं, उसके बाद इस टर्म के साथ इंडिविजुअली लिखते हैं माइनस टू इंटू डी इंटू एल 2 इंटू डी इंटू एल इंटू डी डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू एल। इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर इंटू एल कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन ही आ जाएगा। तो अलग अलग इंडिविजुअली भी दोनों टर्म के साथ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, डी से एक डी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा जो एक्सप्रेशन टी एल बटे एल माइनस टू डी डी बटे डी। ये जो एक्सप्रेशन है आपको किसी तरह का टर्म से रिलेट कर रहा है क्या, डी एल बटे एल कौन सा टर्म है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डी डी बटे डी कौन सा टर्म है, लैटरल स्ट्रेन। तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग लिखे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन माइनस टू इंटू लैटरल स्ट्रेन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस टू इंटू लैटरल स्ट्रेन। फर्दर लैटरल स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस टर्म को और फर्दर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में अगर लिखे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस टू इंटू म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर कॉमन ले
तो बचे क्या 1 माइनस 2 न्यू। एक्सप्रेशन पहले भी था जब हम लोग रेक्टेंगुलर बॉडी में भी देख रहे थे, तो फाइनल एक्सप्रेशन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, उसी तरह का है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब dl बटे l इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये फाइनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dv बटे v का एक्सप्रेशन आता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट है बल्क मॉडुलस, जिसको हम लोग सूचित करते हैं बड़ी के से यहाँ पे, ठीक है। इसका डेफिनेशन पहले क्या है समझते हैं। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक एंड इक्वल डायरेक्ट स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल व्हेन द डिफॉर्मेशन इज विद इन ए सर्टेन लिमिट, द रेशियो इज टर्म्ड एज बल्क मॉडुलस। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, इलाबोरेट करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे कोई बॉडी है, इस पर लाइक एंड इक्वल डायरेक्ट स्ट्रेस इस पर सब्जेक्टेड हो रहा है तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। लाइक मतलब कि अगर ये टेंसाइल नेचर का है तो सभी फेसेस पे टेंसाइल नेचर का ही फोर्स लगेगा, और इक्वल इंटेंसिटी है। अगर ये सिग्मा लग रहा है तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ऐसा नहीं कि ये सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई और ये सिग्मा जेड अलग अलग इंटेंसिटी का नहीं, लाइक एंड इक्वल स्ट्रेसेस। वहाँ पे जैसे डिफिनेशन में लिख रहा है लाइक मतलब नेचर ऑफ फोर्सेस, टेंसाइल है तो सब टेंसाइल ही रहेगा, स्ट्रेस नेचर ऑफ, ये टेंसाइल स्ट्रेस है तो ये भी टेंसाइल और ये भी टेंसाइल स्ट्रेस और इक्वल अमाउंट का, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह का जब स्ट्रेस कंडीशन है, इस तरह का स्ट्रेस कंडीशन कब होता है, जब हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग रहता है किसी भी बॉडी में। मतलब क्या, कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर डूबा हुआ है तो पास्कल लॉ क्या बोलता है, वाटर जो प्रेशर अप्लाई करेगा सभी डायरेक्शन में वो सेम इंटेंसिटी का अप्लाई करेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन में सपोज करिए बॉडी पानी के अंदर डूबा हुआ है, तब इसके सभी फेसेस पे इक्वल इंटेंसिटी का लोडिंग लगेगा, मतलब इक्वल इंटेंसिटी का स्ट्रेसेस जनरेट होगा, और सेम नेचर का, अगर टेंसाइल है तो टेंसाइल, कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव। तब जो इस तरह का अगर लोडिंग कंडीशन है, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन मानिए, तब जो इस पर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इस स्ट्रेस के वजह से इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो है जिस स्ट्रेस के वजह से ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब लोडिंग इस तरह का हो, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पाया गया, और ये स्ट्रेन जो है एक लिमिट तक हो, तब इस दोनों का जो रेशियो है, किसका किसका रेशियो, स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। यहाँ पे देखिए, द डायरेक्ट स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल व्हेन द डिफॉर्मेशन इज विद इन ए सर्टेन लिमिट, जब ये डिफॉर्मेशन एक सर्टेन लिमिट तक हो, तब ये जो रेशियो है डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक कॉन्स्टेंट है, वही कॉन्स्टेंट बल्क मॉडुलस यानी कि बड़ी के से हम लोग सूचित करते हैं। मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को समझे, के इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस, ये सिग्मा का वैल्यू, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बटे भी, इस दोनों का रेशियो ही एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, रिलेशन है, इसको हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस के एंड यंग मॉडुलस ई, ठीक है। इस दोनों के बीच में एक रिलेशन है, या फिर कहीं कहीं आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ के इन द फॉर्म ऑफ ई, ठीक है। यानी कि सिंपली के और ई के बीच में क्या रिलेशन है, एक एक्सप्रेशन के थ्रू आप दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो बॉडी है, इस तरह का ही बॉडी को कंसिडर करते हैं जब हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन लग रहा है, या फिर सभी फेसेस में इक्वल इंटेंसिटी का सिग्मा ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तब इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा डीवी बटे भी, थ्री डायमेंशनल फोर्सेस, थ्री डायमेंशनल नहीं, थ्री एक्सियल फोर्सेस लग रहा है किसी भी बॉडी में, डीवी बटे भी का हम लोग एक्सप्रेशन पढ़े थे। अगर तीनों अलग अलग, सपोज करिए सिग्मा एक्स होता, ये सिग्मा वाई होता, ये सिग्मा जेड होता, तो एक्सप्रेशन क्या आया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई 1 माइनस 2 म्यू। ये थ्री एक्सियल लोडिंग कंडीशन है, तब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव्ड किए थे। लेकिन इस सिचुएशन पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड आपस में क्या है, बराबर है। सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा जेड, और ये सभी का वैल्यू सिग्मा के बराबर, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन या फिर इक्वल एंड लाइक जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इसके वजह से। यहाँ पे हम लोग इसको भी सिग्मा लिख सकते हैं, इसको भी सिग्मा लिख सकते हैं, इसको भी सिग्मा, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, 3 इंटू सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय ई। ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बटे वी। अब देखिए, डीवी बटे वी का जो वैल्यू आया है, इसको पुट करिए यहाँ पे बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला था, बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला था, के इक्वल्स टू
सिग्मा डिवाइडेड बाय डी वी बटे वी। तो सिग्मा डी वी बटे वी का क्या वैल्यू आया है, थ्री इंटू सिग्मा वन माइनस टू म्यू डिवाइडेड बाय ई, ये आया है। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट होगा, ई ऊपर चला जाएगा, के इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय थ्री वन माइनस टू म्यू, या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें ई इक्वल्स टू थ्री के वन माइनस टू म्यू। ये रिलेशन है ई और के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। और डिराइव्ड कैसे हुआ, सिंपल डेरिवेशन भी था, ई यानी यंग मॉडल्स इक्वल्स टू थ्री इंटू के यानी बल्क मॉडल्स वन माइनस टू म्यू, जहाँ पे म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो। एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ए बार ऑफ 30 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 60 किलोन, द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन गेज लेंथ ऑफ 200 mm इज 0.1 mm। देखिए एक सिलेंड्रिकल कोई रॉड है जिसका डायमीटर 30 mm का है और लेंथ जो है वो 200 mm का है, उस पर एक एक्सियल टेंसाइल लोडिंग लग रहा है 60 किलोटन का। इस लोडिंग लगने के बाद जो चेंज इन लेंथ आता है, यानी कि 200 mm में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा लेंथ का, वो जो स्मॉल अमाउंट का यानी कि DL जो वैल्यू दिया हुआ है, सिंपली 0.1 mm दिया हुआ है। एंड चेंज इन डायमीटर यानी कि DD डायमीटर रिड्यूस करेगा, चेंज इन डायमीटर जो दिया हुआ है वो 0.004 mm दिया हुआ है। तो कैलकुलेट आपको करना है यंग मॉडुलस यानी E का वैल्यू, पॉइजन रेशियो यानी म्यू का वैल्यू, और बल्क मॉडुलस K का वैल्यू। फिगर के थ्रू समझिए, एक सिलेंड्रिकल रॉड है, 200 mm इसका इनिशियल लेंथ था, डायमीटर 30 mm था, लोड लगा 60 किलोमीटर का, तो लेंथ में जो एक्सटेंशन आया डीएल का वैल्यू 0.1 mm, डायमीटर जो रिड्यूस हुआ स्मॉल अमाउंट से, वो स्मॉल अमाउंट कितना है 0.004। तो आपको निकालना है ई म्यू और के का वैल्यू, ठीक है। ई पहले निकालते हैं, ई कैसे निकलेगा, ई इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, तो इसी से ई का टर्म आया था, ई इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस टू द डायरेक्ट स्ट्रेन, यहाँ पे टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस है, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन, सिंपली स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस कैसे निकलेगा, लोड दिया हुआ है, एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्ट्रेस निकल जाएगा 60 × 10³, ये लोड, ये स्ट्रेस निकाल रहे हैं पहले ऊपर वाला टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया पाई बाय 4 × mm में 30 का स्क्वायर, ये निकल गया स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेन कैसे निकलेगा, डीएल अपॉन एल, डीएल का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 200 mm, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करते हैं, 60 × 10³ डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 × 30 का स्क्वायर, स्ट्रेस का वैल्यू आता है 84.88 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, स्ट्रेन का जो वैल्यू आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 0.1 डिवाइडेड बाय 200, ये वैल्यू आता है 5 × 10⁻⁴, ठीक है, 84.88 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁴, ये जो ई का वैल्यू आता है ये 1.6976 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है, ये ई का वैल्यू आ गया, ठीक है, सिंपली 169760 ये वैल्यू आ गया ई का। अब दूसरा जो टर्म निकालना था वो क्या है, पॉइजन रेशियो म्यू, म्यू इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन यानी कि चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर 0.004 टू द ओरिजिनल डायमीटर 30 mm, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे निकला हुआ है 1 / 200, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, इसका वैल्यू 5 × 10⁻⁴, इसको सॉल्व करिए, ये पॉइजन रेशियो दे देगा 0.004 डिवाइडेड बाय 30, इसको डिवाइड करिए 5 × 10⁻⁴ से, तो म्यू का वैल्यू आता है 0.266 या 67 इसको कह लें, 0.267, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा पॉइजन रेशियो का, ठीक है, ये म्यू आ गया। अब के कैसे निकलेगा, ई निकल गया है, म्यू निकल गया है, तो के भी निकल जाएगा, अभी रिलेशन हम लोग डिराइव्ड किए, ई इक्वल्स टू 3 × 1 − 2 μ, तो के इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय 3
थ्री वन माइनस टू म्यू। ई का वैल्यू निकाले हैं 1.6976 इंटू 10^5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू म्यू। म्यू का वैल्यू 0.267। इसको कैलकुलेट करिए 1.6976 इंटू 10^5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू म्यू 0.267। ये वैल्यू आता है के का 121430.61। ठीक है, ये इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आप लोग खुद सोचे। के का जो एक्सप्रेशन है वो सिग्मा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बटे वी। ठीक, इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बटे वी का कोई यूनिट नहीं होता है। जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही के का भी यूनिट होगा, यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये भी एक तरह का इलास्टिक कांस्टेंट है। जैसे ई एक इलास्टिक कांस्टेंट था, इसका यूनिट क्या था, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो स्ट्रेस का यूनिट था, उसी तरह से के का भी जो यूनिट होगा वो एक तरह से न्यूटन स्ट्रेस का जो यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वही हो जाएगा। तो ये फाइनल वैल्यू आता है। एक आप लोग के लिए सिंपल सा असाइनमेंट है, फॉर ए मटेरियल यंग मॉडुलस इज गिवन एज 1.2 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड पॉइजन रेशियो इक्वल्स टू 1/4 दिया हुआ है। कैलकुलेट बल्क मॉडुलस, के का वैल्यू निकाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाइए।